कैनेडा स्टडी वीज़ा की गल करांगे। सो अज के टाइम में स्टूडेंट्स नू अपने कोर्सिज उपर स्पेशली जिस तरह की तुहाडी परसेंटेज है, जिस तरह के तुहाडे सबजैक्ट्स ने, उस हिसाब नाल किहड़े तुसी कोर्सिज लो जो तुहानू कल नू पीआर दे विच वी हैल्प करन। इह स्टैप ए डिसीजन सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए अज असीं एक माहिर सलाह तुहाडे नाल सांझी करावांगे ताकि तुसी समझ सको कि किन्ना खास हुंदा है सही कोर्स चूज़ करना, ताकि कल नू जो है पीआर नू लैके तुहानू कोई भी मुश्किल परेशानी ना आवे। स्वागत है जी सारिआं दा, मैं हाँ हरजोत कौर, और अज डिटेल विच पूरी इनफॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे नेविगेटर्स ओवरसीज़ तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गुल मैम साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सारिआं नूं। सो मैम, कैनेडा स्टडी वीज़ा की जब आप गल करिए, वह भी अज के टाइम जो ढेर सारे चेंजेस भी हो चुके हैं, कोर्सिज की सिलैक्शन कितनी कु खास है और स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली किहड़ा बेस्ट कोर्स किवें चूज कर सकता ताकि कल नूं पीआर नूं लैके कोई दिक्कत ना आवे, क्योंकि पीआर दे लई ही हर कोई जो है जद्दोजहद कर रहा हुंदा कि मैं उत्थे पहुंचा, पढ़ाई करा, सैटल हो जावा। सो इत्थे तुसीं की गाइड करना चाहोगे स्टूडेंट्स नूं? हरजोत जी, कोई भी बच्चा जब अपने कंट्री छड़ के जाता, अपने फ्रेंड्स नू छड़ के जाता, अपना सिटी छड़दा, सारा कुछ छड़ के जा रहा, खाली एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद च, एक बेहतर कैरियर की उम्मीद च, एक बेहतर सैटलमेंट नाल फैमिली नू भी इकास हुंदी कि साडा बच्चा होर अच्छी तरह सैटल होएगा लाइफ च, क्योंकि ये इना दी लाइफ का जड़ा बेस है, ये स्टार्टिंग टाइम है। कोर्स चोन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा कोर्स तुहानू सैटलमेंट भी दवाएगा, तुहानू जॉब भी अच्छी दवाएगा, तुहाडे कैरियर दे विच जड़ी जिन्हों कहना चाहिए पैकेज, सैलरी पैकेज भी अच्छा आएगा। जब तुसी जॉब करनी है या तुसी बिजनेस करना, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। ज़्यादातर बच्चे आजकल बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहते, तो जॉब प्रोफाइल से ज़्यादा जाते हैं। जिहड़े कॉलेजेस है, मैक्सिमम कॉलेजेस ने बिजनेस दी पीएल देना जड़ी है थोड़ी बहुत घट कीती हुई है। ज़्यादा जड़ी पीएल है वो तुहानू इंजीनियरिंग कोर्सेज दी, आईटी कोर्सेज दी मिल रही है। जे तुसी आईटी नॉन मैडिकल दे बच्चे हो तो तुसी आईटी विच भी जा सकते हो, इंजीनियरिंग भी जा सकते हो। कोशिश करो तुहाडे जिहड़े आईएलटीएस या पीटी दा स्कोर अच्छा होए, क्योंकि प्लस टू दे ते तुहाडे सीबीएसई और पंजाब बोर्ड सारियां दे रिजल्ट आ चुके आ, वो ते हुण उहदे विच जो पर अच्छा रिजल्ट आया, मैं हुण जिहड़ा देखिया सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और तुहानू एक चीज़ ये भी दसूँगी, पीटी और आईएलटीएस या टोफल जो भी करनी है, तीनों चीज़ा एक्सैप्ट होंदी कैनेडा विच, और नेविगेटर तुहानू तीनों चीज़ों की प्रैपरेशन टोटल फ्री ऑफ कास्ट करा रहा है। उही बच्चों नू फ्री ऑफ कास्ट करा रहा है जिन्हां दी फाइल साडे कोल लगी हुई है या लगेगी जी। क्योंकि असी क्वालिटी टाइम देना है, असी अपने स्टूडेंट्स नू देवांगे जिन्हां दे असी रिजल्ट वधिया लैणे आ, ते तुहाडा जिहड़ा कोर्स है वो अगे तुहानू जॉब अच्छी दवाएगा, सैटलमेंट अच्छी दवाएगा। देखो जिहड़ा ये कैनेडा विच जॉब नहीं मिल रही, जे जॉब तुहाडे कोर्स अच्छा तो तुसी कदी अनइंप्लॉयड नहीं रहिंदे, क्योंकि वो हमेशा शॉर्टेज बच्चे रहिंदे है जिन्हां दी उत्थे डिमांड है। तुहानू चैक करना पेगा, इस टाइम आईटी दा बूम है, तुसी कोर्सेज अच्छे लो, डाटा एनालिसिस लो, क्लाउड कंप्यूटिंग लो, साइबर सिक्योरिटी लो, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। इस टाइम तो ये कोर्स तो इन्ना ज़्यादा चल रहा है जिहदे विच आन वाले टाइम च एक बिल्कुल भूचाल आने वाला है। ठीक है, इंजीनियरिंग का कोई मर्जी कोर्स लै लो, मैकेट्रॉनिक्स लै लो, सारी मशीना या मकैनिकल का मैकेट्रॉनिक्स के उपर चलता है, क्योंकि AI आया तो रोबोट्स का बहुत रहना, रोबोटिक्स वो रहेगा। एंड तुसी इहदे अलावा जिहड़े लै सकते हो, कंस्ट्रक्शन का लै सकते हो, इलैक्ट्रिकल का लै सकते हो, इदा के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सिज है। जब तुसी काउंसलिंग कराते हो, साडा स्टाफ या मैं तुहाडे नाल बैठती हाँ, आलमोस्ट हर मंडे टू थर्सडे मैं ऑनलाइन आनी हाँ 12 बजे स्टूडेंट्स वास्ते, उस टाइम भी मैं काउंसलिंग करती हाँ, तो मेरा बहुत सारा टाइम बच्चों की काउंसलिंग च निकल जाता है। तो जेडे इन्ने क लीड्स होंगी है, कई बार मैं अपना परसनल नंबर भी दिता है, जेडे बच्चे सीरीयस हैं उन्होंने वास्ते, उन्होंने कैरियर नू शेप देने च आई यूज टू इंजॉय
ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਹੀ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋ ਜੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇਮੀਡੀਏਟ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟਾਈਮਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹਾ ਕੋਰਸ ਜਾਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪੂਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਮੈਮ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਣ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।